नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुश शर्मा। हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या यूं कहें कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मौजूद हैं और विष्णुदेव साय से कुछ बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाइयां आपको। सर, किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन गया है, इसे कैसे देखते हैं? इसे किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए कितना सम्मान मानते हैं? देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही, और ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा कार्यकर्ता अपने मेहनत, अपने निष्ठा और ईमानदारी की बदौलत बड़े बड़े पदों पर जा सकता है। और निश्चित रूप से ये मुख्यमंत्री का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है, चुनौती पूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी और भी बहुत वरिष्ठ हैं, सबका आशीर्वाद हमको मिलेगा, सबका मार्गदर्शन मिलेगा और जो गुरुतर दायित्व है उसको निभा पाने में हम सफल हो पाएंगे। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली है और 5 सालों तक इंतजार करना पड़ा है। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने जो चुनाव में वादे किए थे, उन वादों में कौन कौन सी प्राथमिकताएं पहले रखी हैं कि अब सबसे पहले ये काम करने हैं? देखिए, मोदी की गारंटी जो हम लोगों का चुनावी घोषणा पत्र है, वो छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का चिंता करके बनाया गया है और हमारी पार्टी जो कहती है उसको करती है, और इसका विश्वास आज छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की जनता को है और लगातार देश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता थी और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी और पहला काम सरकार जो कांग्रेस के 5 वर्षों में गरीब लोग 18 लाख प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनको पक्का का मकान देने का काम करेंगे। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को कि शपथ के दूसरे दिन ही पहले कैबिनेट के बैठक में हम लोगों ने निर्णय ले लिया है कि 18 लाख लोगों को पक्का का मकान देंगे और बाकी और मोदी की गारंटी में सबके लिए चिंता किया गया है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सभी वर्ग के लिए चिंता किया गया है। आने वाले 5 वर्षों में जो भी मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया है उसको 100% पूरा करेंगे। सर, मेरा एक सवाल यह है कि आज जब सभाएं चल रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि विष्णुदेव साय को वोट दीजिए, बड़ा आदमी मैं बना दूंगा, वहां से संकेत मिल गए थे क्या? नहीं, वहां से संकेत ये तो मन में नहीं था कि इतना जो प्रदेश का सबसे बड़ा दायित्व है वो मिल जाएगा, लेकिन इतना तो था कि हमारे गृह मंत्री जी बोल रहे हैं तो जरूर कुछ है। सर, आप बहुत सारी बातें थी जो बीजेपी विपक्ष में थी, तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला और बहुत सारी चीजों को लेकर, आपने पीएससी घोटाले को लेकर आप लोगों ने कई तरह की बातें कही थी, उसको लेकर अब क्या कदम उठाएंगे? तमाम चीजें जांच में रहेंगी, कार्रवाई होगी? पिछली कांग्रेस की सरकार पूरा घोटालों की सरकार रही और आज भी इनके कई लोग जेल के अंदर में है और इसी का खामियाजा उनको विधानसभा के चुनाव में भुगतना भी पड़ा। और जहां तक पीएससी घोटाले की बात है, उसके विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं और मतलब सभी जो भी घोटाले हैं, जो भी गलत काम हुए हैं, सबकी जांच होगी और दोषी पाए जाने पर सबके ऊपर सख्ती से सरकार कार्रवाई करेगी। बीजेपी को जो बहुमत मिला है, बस्तर और सरगुजा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें दोनों ही संभागों से आपको मिली है। बस्तर और सरगुजा के लिए कोई खास प्लान सोचा है कि यहाँ से हमको अगर वोट मिला है तो हम यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे? बिल्कुल, देखिए, सरगुजा और बस्तर दोनों आदिवासी बहुल संभाग है। सरगुजा से मैं स्वयं आता हूँ और सरगुजा से कांग्रेस पूरी तरह से
साफ हो चुकी है और वैसे तो आदिवासी समाज को जितना मान और सम्मान और उनका विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। और हम तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासियों का सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज देश का सर्वोच्च पद जो महामहिम राष्ट्रपति का है उसमें भी आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है। आज भारत सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार इन वर्गों का समुचित विकास हो इसके लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ है और भी कई काम आदिवासियों के हित में हुए हैं। आज पूरी तरह से आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा है, पूरा उनका विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है। सर, मतांतरण या धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसको लेकर अब बीजेपी की सरकार बन गई है, क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी? बिल्कुल, पिछले 5 वर्षों में धर्मांतरण को बहुत बढ़ावा मिला और कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा बढ़ावा मिला और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ये सब काम करती रही, शिकायत के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन हम लोग ईसाई के विरोध में नहीं है, लेकिन जो गौहत्या करते हैं या लोगों के अशिक्षा का, गरीबी का और चंगाई को माध्यम बना के जो धर्मांतरण करते हैं इसके खिलाफ में है। और इस तरह से अगर आगे काम होगा तो वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बर्दाश्त नहीं होगा। सर, नक्सलवाद को लेकर जो है कई तरह की बातें होती हैं, कुछ खास प्लान बनाया है इस बार? क्योंकि प्रधान केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि बीजेपी की सरकार बने तो हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। बिल्कुल, जब हमारी यहाँ सरकार थी तब भी हम लोगों ने, हमारी सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और अब फिर से सरकार में आए हैं तो फिर मजबूती के साथ लड़ेंगे। और ये सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो नक्सलवाद से मजबूती से लड़ने में हम लोग कारगर होंगे। 2023 की तस्वीर साफ हो गई है, अब बारी है 2024 की। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा में 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार क्या प्लानिंग है? देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार पूरा 11 का 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सर, वादों की बात हुई थी तो 3100 रुपए में 21 क्विंटल धान खरीदना है, कब से ये शुरुआत होगी, इसको लेकर क्या प्लान है? बिल्कुल, अब एक एक करके हम लोग जो भी वादा किए हैं करते जा रहे हैं और किसानों के साथ न्याय होगा। हाँ सर, अब जब नक्सलवाद की बात होती है, बस्तर की बात होती है तो झीरम कांड के लेकर कई बार कहा गया कि हमारे जेल में सबूत है, कांग्रेस के द्वारा कहा जाता था, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाता था, वो जांच अब कहाँ पहुंचती हुई दिखाई देगी बीजेपी सरकार में? अब देखिए, कांग्रेसी अपना घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें, 5 साल उनकी सरकार थी, उसके पहले जो मुख्यमंत्री थे उस समय वो विरोध में थे तो कहते थे कि सबूत हमारे जेब में है, जबकि 5 साल वो सरकार में रहे, मुखिया के रूप में रहे, तो उनका सबूत उनके जेब से नहीं निकला, न 5 साल में वो मतलब जांच भी नहीं करा पाए। और इतना तक कि जो हम लोग के सरकार के समय में जो कमेटी का गठन हुआ था उसने जांच करके अपना रिपोर्ट भी सौंपा, उसको भी सार्वजनिक वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनको भय है कि कहीं ना कहीं इसकी पूरी निष्पक्षता के साथ जो मतलब जांच हो जाएगी तो वही लोग मतलब बेनकाब हो जाएंगे। सर, आपने अभी कुछ हाल ही में एक बात कही थी कि खाली खजाना मिला है और बीजेपी ने कई वादे किए हैं, उसको कैसे फिर इम्प्लीमेंट करेंगे? हाँ, खाली खजाना तो है, कई हजार करोड़ का पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर में कर्जा हो गया है, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेंगे और जो भी वादा किए उसको पूरा करेंगे। सर, पिछली सरकार में बहुत सारी योजनाएं संचालित थी, उन योजनाओं को लेकर बीजेपी की क्या प्लानिंग है, हम उन योजना क्या वो बंद होगी? उसकी समीक्षा करेंगे और जो भी उचित कदम होगा उठाएंगे।
सर, आज न्यूज स्टेट पर आप हैं, प्रदेश की जनता को और आगे आने वाले समय के लिए क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? प्रदेश की जनता को, मतदाता को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत उनके वोट की होती है, उसको भारतीय जनता पार्टी को दिया है। हमारी सरकार यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ में बनी है, तो पूरा प्रयास हमारी सरकार का रहेगा कि उनके विश्वास में हम लोग खरा उतरें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमारे साथ आज जुड़े हुए थे और तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो तमाम वादे पूरे होंगे और जो लोगों की समस्याएं हैं वो समस्याएं भी हल होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।